कैसे हैं आप सब। मेरा नाम एली और आप देख रहे हैं ए डॉट इलेक्ट्रॉनिक्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सोल्डरिंग आयरन के बारे में। जी हाँ गाइस, सोल्डरिंग आयरन। सो गाइस, सोल्डरिंग आयरन एक मशीन होती है जिसकी मदद से हम किसी भी सर्किट को क्रिएट कर सकते हैं, सोल्डर कर सकते हैं और किसी भी सर्किट में से पार्ट रिमूव कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं। सो गाइस, सोल्डरिंग आयरन को करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उन सब के बारे में आपको बताऊंगा। सो बिना देर के चलिए उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सोल्डरिंग आयरन करने के लिए हमें बेसिकली एक सोल्डरिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। मैं इसको टच नहीं करूँगा क्योंकि ये अभी हीटअप है, क्योंकि मैंने इसको प्लग ऑन करके रखा हुआ है। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी एक सोल्डरिंग वायर की। मैंने यूज़ किया यहाँ पर ईगल बेस्ट का सोल्डरिंग वायर और ब्रोज़ा की। ब्रोज़ा एक मटेरियल होता है, मतलब यहाँ पे देखिए हम सोल्डरिंग आयरन पे जो है बहुत सारा सोल्डर लगा हुआ है, तो मैंने ब्रोज़ा के ऊपर इसको रखा और फिर इसको मैंने यूं किया। तो देखिए गाइस, ये सारा सोल्डर जो है वो निकल गया है। लेकिन हाँ गाइस, एक बात का आप ख्याल ज़रूर रखें कि जब भी आप सोल्डर कर रहे हैं तो किसी भी जो है आप जहाँ पर भी आप सोल्डर कर रहे हैं वहाँ पर एक कार्डबोर्ड रख दे या कोई भी क्लॉथ रख दे, ताकि आपका जो टेबल और कोई भी जगह हो वो ख़राब ना हो। सो सोल्डरिंग आयरन करने के लिए ये चीज़ों की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे मैंने स्टैंड ले रखा है जिसकी मदद से मैं इसको बिल्कुल आसानी से कर सकता हूँ। यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन मैंने सोल्डरिंग वायर रख दिया, आयरन रख दिया और ब्रोज़ा रख दिया। उसके बाद गाइस, यहाँ पे एक और चीज़ आती है जो है ये गाइस मैंने जुगाड़ करके बनाया है, और इसकी मदद से यहाँ पे मैं कंपोनेंट्स को जो है टंगा सकता हूँ और उसके ऊपर जो है मैं वर्किंग कर सकता हूँ। सो गाइस, अभी मैं जो है कुछ कंपोनेंट्स लेके आता हूँ और आपको जो है थोड़ा सोल्डरिंग करके दिखाता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मैं जो है दो चीज़ लेके आ गया हूँ। एक तो ये 1K का रेजिस्टर है और दूसरा जो है ये एक वायर है। तो सबसे पहले सोल्डरिंग करने के लिए आपको जो है वायर जो है काट लेना है। देखे वायर मैंने काट लिया है, लेकिन गाइस यहाँ पे आपको ये चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आप जो वायर कट कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा ना हो। जैसे मैंने देखे कितना बड़ा वायर कट कर लिया है, लेकिन हमें ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ इतने से वायर की ही, इतना सा हो बस। ये उससे ज़्यादा होगा तो आपको सोल्डरिंग करने में बहुत जो है परेशानी होगी, फिर आपका सोल्डर जो है वो बिल्कुल सही से नहीं होगा। और रजिस्टर को मैं यहाँ पे फंसा लेता हूँ। ये मैंने कर दिया, रजिस्टर को फंसा दिया है। इसको बिल्कुल सही कर ले। अभी आपको क्या करना है गाइस, सोल्डरिंग आयरन लेनी है, थोड़ा सा सोल्डरिंग वायर लेना है और इसको जो है वायर के ऊपर ऐसे लगा देना है। उसके बाद आपको मैं ये नज़दीक ला के दिखाता हूँ। तो वेट वेट गाइस, वेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, मैं आपको अभी बिल्कुल सही से बताता हूँ। ये देखिए, आपने यू किया। अरे भाई टिक जा यार, भाई यार ये तो ये टिक नहीं रहा है ना ऐसा। मैं इसको कुछ इस तरीके से फंसा देता हूँ, बट टिक जा भाई। इसको मैं यू कर देता हूँ, इसको कर देते हैं साइड। ये देखे गाइस, ये हो गया आपका सोल्डर। अभी मैं आपको जो है इसको निकाल के दिखा देता हूँ। ये देखे गाइस, ये हो गया आपका परफेक्टली सोल्डर। तो गाइस ये ही होता है, हम क्या करते हैं कि
शोल्डर जो है भर भर के ले लेते हैं, लेकिन गाइस शोल्डर जो है हमेशा कम ही लेना चाहिए, ज़्यादा भर भर के नहीं लेना चाहिए, जिसकी वजह से आप शोल्डर लगाओगे तो वो बाहर निकल जाएगा क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी। देखिए मैंने बहुत ही कम लिया है और ये जो है इतनी अच्छी तरीके से शोल्डर हो गया है। सो गाइस अभी मैं इसको जो है फिर से ग्रोज़ा में डिबो देता हूँ और ये सारा जो है निकल जाएगा। अभी गाइस मैं एक सर्किट लेके आता हूँ और आपको मैं अभी बताऊँगा कि आप सर्किट में से कोई पार्ट कैसे रिमूव करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा जो है हार्ड होता है, वो आसानी से जो है रिमूव नहीं होता था। अभी मैं सर्किट लेके आया। सो गाइस यहाँ पे मैं सर्किट लेके आ गया हूँ आपके पास और अभी मैं आपको जो है इसमें से निकाल के बताता हूँ कि आप कैसे कोई भी जो है कंपोनेंट इसमें से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो है आपको बता देता हूँ कि मैं क्या निकाल रहा हूँ। अभी मैं आपको सब यहाँ इसे भी पिघला के दिखाता हूँ, फिर आपको मैं कोई कंपोनेंट निकाल के दिखाऊँगा। कर देता हूँ मैं आपके लिए, जूम कर दिया है मैंने। अभी मैं थोड़ा इसको ग्रोज़ा में डिप कर देता हूँ, ग्रोज़ा में। सॉरी गाइस दोनों कैमरा हिल रहा है क्योंकि बार बार मेरा हाथ लग रहा है इसके ऊपर। सो गाइस यहाँ पे ये मैं इसको निकाल देता हूँ। देखिए गाइस ये निकल भी गया। देखिए गाइस सारे कंपोनेंट जो है यानी कि सब जो है कंपोनेंट्स के वायर पे जो सोल्डर लगा हुआ है वो निकल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। गाइस अभी देखे मेरे सोल्डरिंग आयरन के ऊपर कोई भी शोल्डर नहीं लगा हुआ है। अभी इसके बिना मैं आपको कोई भी अगर सर्किट निकाल के दिखाऊंगा तो वो नहीं निकलेगा। देखिए गाइस कोई भी नहीं निकल रहा है। देखिए गाइस कोई भी नहीं निकल रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो है वो बहुत पहले क्यों हो गया ना ये शोल्डर, तो ये जो है अभी बहुत सख्त हो गया। अगर मैं यहाँ से शोल्डर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से शोल्डर लेके इसको निकालने की कोशिश करूँगा तो गाइस ये निकल जाएंगे। यहाँ से ही ले लेता हूँ। अभी आप देखिए गाइस ये देखिए कैसे निकल गया है, ये सब निकल गया है, निकल गया ना गाइस आसानी से। सो गाइस यही होता है कि अब जब भी आप सर्किट में से कोई भी पार्ट निकाले तो आप शोल्डर ले थोड़ा सा और उसके ऊपर लगा दे तो वो जो है आपको बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। तो गाइस अभी मैं आपको एक कोई भी सर कंपोनेंट बताता हूँ और उसको जो है निकाल के भी मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस अभी मैं निकाल रहा हूँ ये स्विच। तो ये स्विच को निकालने के लिए ज़ाहिर सी बात है मुझे वही ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी, वो एक ट्रिक ही होती है गाइस, मैंने जब ये आपको बताई वो ट्रिक है। देखिए गाइस ये मेरी कितनी, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये गलतियाँ कभी भी नहीं करें आप। ये आप शोल्डर लें और ये सारे निकाल दें। गाइस ऐसे ही आपको जो है वो सब निकाल लेना है। तो गाइस अभी मैं आपको ये जो है ये स्विच जो है वो मैं आपको निकाल के बताता हूँ। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने जो है ये दो कैपेसिटर्स जो है इस बोर्ड में से, सर्किट बोर्ड में से निकाल लिए हैं और अभी मैं आपको बताता हूँ मैंने ये कहाँ से निकाला है। सो गाइस ये जो कैपेसिटर है यूएफ कैपेसिटर, ये मैंने आपको यहाँ से निकाला है, मैं आपको सही से दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ से निकाला और ये रहे इसके दो टाके, और ये वाला जो है सेरेमिक कैपेसिटर इसको मैंने यहाँ से निकाला, इसके ये दो टाके इसके रहे, ये मैंने इसको यहाँ से निकाला है। तो गाइस उम्मीद होगी कि आप जो है इस वीडियो से सोल्डरिंग आयरन के बारे में जो है अच्छी तरीके से जान गए होंगे, उसको यूज़ करना भी आप जो है अच्छी तरीके से सीख गए होंगे।
सो गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल ए डॉट ए इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।